बढ़ती हिंसा के बीच एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का ऐलान, 24 जून से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले, ये योजना युवाओं की भलाई के लिए है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में एक बहुत ही जरूरी और आपके काम की, आपको ज्ञान देने वाली बात करते हैं कि नौकरियों के नियम बदलना तो सरकार के हाथ में होता है, लेकिन सरकार बदलना अभी भी आपके हाथ में ही है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दें। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालों। तो दोस्तों, अग्निपथ और अग्निवीर का बवाल अभी तक थम नहीं रहा है। हालांकि पहले जैसी हिंसा अब बंद हो गई है, जो कि अच्छी बात है, पहले भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी ये जो शंकाएं इस स्कीम को लेकर आर्मी एस्पिरेंट्स के मन के अंदर हैं, वो अभी भी बनी हुई है। और अब कुछ आर्मी वेटरन्स, उद्योगपति और नेताओं के तमाम तरीके के बयान भी सामने आने लगे हैं। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं नेताओं से। मध्य प्रदेश से भाजपा के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक ऐसा बयान दे दिया है, जिस बयान ने उन सभी आर्मी एस्पिरेंट्स की चिंता को और बढ़ा दिया है, कम तो नहीं किया है और बढ़ा दिया है। 25 साल में जो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी का ऑफिस, सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। तो सर जी कह रहे हैं कि जब 4 साल बाद वो सैनिक, वेल ट्रेंड सैनिक जब आर्मी से बाहर निकलेंगे, जिनकी एज मैक्सिमम टू मैक्सिमम 26 से 27 साल तक हो सकती है, उनको भाजपा कार्यालय में एज अ सिक्योरिटी गार्ड्स भी रखा जा सकता है। वाह। वैसे आपको बता दें कि ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जिनके सुपुत्र अधिकारियों पर बल्ला चलाते हुए पकड़े गए थे। तो जब ऐसा है तो गार्ड के लिए तो वो भी एलिजिबल हैं। नहीं, इसके बाद एक खतरनाक और तड़कता फड़कता बयान दिया भाजपा के ही नेता किशन रेड्डी ने। वो बोलते हैं कि जब ये लोग आर्मी से 4 साल बाद निकलेंगे तो इन्हें कई तरीके की ट्रेनिंग दी गई होंगी, जैसे कि नाई की, इलेक्ट्रीशियन की, ड्राइवर की, धोबी की। मिलिट्री लो कूडा డ్రైవర్స్ వేరే ఉంటారు, ఎలక్ట్రీషియన్స్ వేరే ఉంటారు, అందులో బట్టలు ఉతికే వాళ్ళు వేరే ఉంటారు, హెయిర్ కటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, ఈ రకంగా వేల పోస్టులు ఉంటాయి। तो ये लोग चाहें तो इन लाइनों में भी अपना काम कर सकते हैं। तो जो आर्मी एस्पिरेंट 2-3 साल तक रनिंग करता है, आर्मी में भर्ती होने की तैयारी करता है, वो जब इस अग्निपथ स्कीम से अग्निवीर बनकर आर्मी में जाएगा और 4 साल बाद जब 20 लाख रुपए हाथ में लेके रिटायर होगा, जैसा कि बोला जा रहा है, तो उसके बाद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी के हिसाब से वो ड्राइवर की नौकरी भी कर सकता है, गार्ड की भी कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन की भी कर सकता है, नाई भी बन सकता है। गजब बेइज्जती है। तो अब आप ऐसे बयान सुन के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों इस तरीके का उग्र बवाल सड़कों पर हुआ था, जो कि नहीं होना चाहिए था। यही नहीं, अभी और सुनिए, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने भी एक बयान दिया है। वो कहते हैं कि किसी ने आपको कहा नहीं है कि आप आर्मी में आइए, आपका मन है, आना हो आइए, नहीं आना हो नहीं आइए, कोई आपको जबरदस्ती आर्मी में लेकर नहीं आ रहा है, जो आप बसें और ट्रेनें जला रहे हैं। ये जो 4 साल वाली स्कीम है ये तो लागू होकर रहेगी, हमारी अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए, अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ, कोई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए। आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खड़े उतरो ना, उसके बाद हम फौज में लेंगे आप। अब वीके सिंह साहब के बारे में एक फैक्ट ये है कि इन्होंने अपने कार्यकाल में अपना रिटायरमेंट बढ़ाने के लिए यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में चले गए थे। जी हाँ, और अब ये 4 साल की नौकरी वाली अग्निपथ स्कीम को फेवर कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो दोस्तों, नेताओं से अब आ जाते हैं उद्योगपतियों पर, या उद्योगपति पर, आनंद महिंद्रा पर। वो कहते हैं कि वो अग्निपथ स्कीम जो आई है सरकार की, उसके बाद जो सड़कों पर हिंसा हो रही है, उससे बहुत दुखी हैं। When the scheme was mooted last year, I stated and I repeat that discipline and skills Agnivis gain will make them eminently employable. The Mahindra Group welcomes the opportunity to recruit such trained, capable young people. अब इनके इस शानदार ट्वीट पर
और स्कीम को सपोर्ट करने पर पूर्व नेवी चीफ अरुण प्रकाश ने इनसे एक सवाल पूछ लिया जिसका जवाब अभी तक तो इन्होंने नहीं दिया है। Why await this new scheme? Has the Mahindra Group so far reached out to thousands of highly skilled and disciplined ex-servicemen, jawans and officers, retiring every year and desperately seeking a second career? It would be nice to get some statistics from your group. तो अभी तक इस पर कोई भी statistics former Navy Chief को नहीं दिया गया है। अब होगा तो देंगे ना? तमाम आर्मी वेटरन्स और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स मेजर जनरल इस बात को लगातार कह रहे हैं कि किसी भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को या फिर जवान को कहीं नौकरी नहीं मिलती है, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। कहाँ लाइन लगी है? सीआरपीएफ लाइन ही लगी है सर, हरियाणा पुलिस में जाके देखियो लाइन है। ये कहाँ से उसको घुसा देंगे दो साल के बाद? और जहाँ तक शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात थी, हमें नौकरियां नहीं मिल रही थी बाहर, लोग बैंकों में गए, इधर उधर गए, कोई सरकार का प्रॉमिस नहीं चला। और ये जो बातें जा रही हैं कि हम इनको सीएपीएफ में डाल देंगे, बीएसएफ में डाल देंगे, सीआरपीएफ में इनको प्रेफरेंस दे देंगे, ये सब बातें लिखित में दे सरकार, वरना सब कुछ हवा हवाई है। 21 साल में आदमी रिटायर हो जाएगा, घर बैठेगा जाके, हर एक चीज हवा में चल रही है सर, घर हम, का हम, मैं बताता हूँ ना, मेरे होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उनको बैंकों में, मेरी बात सब चीजें हवा में है। किसी ने आज तक अभी ये जो दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, 100% आज ही खत्म हो जाएंगे अगर आज लिख के देते हैं कि इन लोगों को हम लिटरली ये सब और कैप्टन बाना सिंह परमवीर चक्र ने ट्वीट किया कि सेव द कंट्री, अग्निपथ स्कीम विल बैडली डैमेज अस, इंडिया इज गोइंग थ्रू अ क्रूशियल स्टेज, यंगस्टर्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर मदरलैंड। दैट इस लेवल का भी कंसर्न है कि भाई 4 साल का फौजी है तो बेकार है, इसके इससे कोई रिश्ता नहीं करेगा। तो आपको सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज भी समझने चाहिए, कोई हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन नहीं है, डेवलपिंग नेशन है। इससे दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अभी के तीनों सेना प्रमुखों को अगर हटा दें और सरकार के लोगों को अगर हटा दें तो आर्मी से रिलेटेड कोई भी, चाहे वो नौकरी करते हुए जवान हो या रिटायर्ड जवान या ऑफिसर्स हो, कोई भी इस स्कीम के साथ दृढ़ता से खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। तमाम आर्मी वेटरन्स इस स्कीम में तमाम तरीके की खामियां बता रहे हैं और सरकार उसको एक के बाद एक रेक्टिफाई भी कर रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये काम पहले नहीं किया जा सकता था? यह हर बार की एक आदत सी बन गई है कि पहले आप कोई योजना लाएंगे और जब लोग उसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, जब तक कुछ लोगों की जानें नहीं चली जाएंगी और सरकारी या प्राइवेट संपत्ति का करोड़ों का नुकसान नहीं हो जाएगा, तब तक सरकार उसमें अमेंडमेंट नहीं करेगी या सुधार नहीं करेगी। और दोस्तों जो लोग ये बोल रहे हैं कि इस तरीके की स्कीम इसराइल में चलती है, अमरीका में चलती है या दुनिया के तमाम और देशों में चलती है और उसको भारत से कंपेयर कर रहे हैं, तो दुनिया के दूसरे देशों में तो बहुत कुछ होता है, जैसे कि ईवीएम का इस्तेमाल वहां नहीं होता, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। इसी के साथ दुनिया के इन दूसरे देशों में शादी और सरकारी नौकरी को नहीं जोड़ा जाता, भारत में शादियां रुक जाती हैं ये सोच के कि भैया 4 साल बाद तो इनकी नौकरी ही चली जाएगी, इसराइल और अमेरिका में ऐसा नहीं होता होगा। तो जब ये स्कीम बनाई गई तो क्या सोशल एंगल का ख्याल रखा गया था? और ये कंसर्न भी हमारा नहीं है, आर्मी वेटरन्स का ही है, वो ये बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जो गोदी मीडिया बात बात पर, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, मेजर जनरल जीडी बख्शी को अपनी डिबेट्स में बुला लेती थी, जब से मेजर जनरल जीडी बख्शी ने इस योजना का फेवर नहीं किया है, तब से किसी भी गोदी मीडिया के चैनल ने उनको डिबेट्स में नहीं बुलाया है। उनके ट्वीट की पहली और आखिरी लाइन पढ़ के ही आप समझ जाएंगे कि वो कितना हताश और निराश है इस स्कीम से। वॉज फ्लेबरगास्टेड बाय द अग्निवीर स्कीम, फॉर गॉड सेक प्लीज डोंट डू इट। मैं आपको बताना चाहता हूँ तो आप चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी बोला जा रहा है कि अग्निपथ के साथ साथ, अग्निपथ स्कीम के साथ साथ जो सामान्य भर्ती प्रक्रिया है आर्मी में वो जारी रहेगी। ऐसा कुछ समय तक तो रहेगा, लेकिन एक समय बाद अग्निपथ को ही आर्मी में रिक्रूटमेंट का एकमात्र जरिया बना दिया जाएगा। यही कुछ बातें हैं जो सभी आर्मी एस्पिरेंट्स को खाए जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरीके का जो बवाल हुआ है सड़कों पर वो देखने को मिल रहा है। 5 साल से इतनी सारी हमने मेहनत की है, ये जाके हमने ये सर्टिफिकेट NCC 1A
बी सी सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे किए, इन सर्टिफिकेटों का मैं चूरन बेच के खा लूं क्या? सरकार मुझे जवाब दे इस बात का। बाकी दोस्तों हम तो आर्मी एक्सपीरियंस से दोबारा यही बोलना चाहेंगे कि अगर आप अपनी आवाज इस स्कीम के खिलाफ उठाना चाहते हैं तो किसी भी तरह का कोई बवाल और कोई आगजनी मत करिए। ऐसा करके आप अपने ही आंदोलन को कमजोर बना देंगे, क्योंकि गोदी मीडिया के लोग तो बैठे ही इसी ताक में होते हैं कि कब आप कोई उग्र प्रदर्शन करें और वो आपको आतंकवादी घोषित कर दें, और वो कर भी देंगे बड़ी आसानी से। मेरे माँ बाप, मेरे बाप, मेरे बाप ने टेम्पो चला करके मुझे इन मेडलों के लिए पैसा दिया है, मैं कैसे टीओडी को स्वागत कर लूं, कैसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊं? उन पुराने आवेदनों को रद्द कर दिया सरकार ने, मेरे साथियों ने आज कल तक 62 साथियों ने फांसी लगा ली। बाकी हम तो हमेशा आर्मी एस्पिरेंट्स और इस देश के युवा के साथ हैं। आपको स्कीम अच्छी लगेगी तो भी आपके साथ हैं, आपको स्कीम नहीं अच्छी लगेगी तो भी आपके साथ हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।